जैसा कि आप सबको अहमियत होगी, हाल ही में हर दिन हर रोज एक न एक पॉलिटिकल लीडर को मारा जाता है और अभी तक उनके लिए सिक्योरिटी अकोमोडेशन अवेलेबल है नहीं। अकोमोडेशन उन लोगों को दी गई है जो बिल्कुल सियासत के साथ वाबस्ता नहीं है या जिनके वालिदैन थे और उन्होंने अपने अपने किनों को दिया है, अपने रिश्तेदारों को वो अकोमोडेशन प्रोवाइड दी है। अब वो पढ़ने के लिए काम आ जाते हैं, किसी का जो पॉलिटिकल मर चुका है और उसने अपने दामाद को अकोमोडेशन दी है और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी सिक्योरिटी अकोमोडेशन में रह रहे हैं और जो भी प्रोटेक्टेड पर्सन है वो बैडली सफर कर रहे हैं, एक कमरे के लिए वो तरस रहे हैं। इसलिए सरकार को इस जमन में इकदाम उठाने चाहिए, उनको थ्रेट परसेप्शन प्रॉपरली चेक करना चाहिए, कौन डिजर्व है सिक्योरिटी अकोमोडेशन के लिए और कौन डिजर्व नहीं है वो खुद बखूब जान सकते हैं। वैसे भी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस तरीके से हमें हर बार अवेयरनेस मिल रही है, कैसे चलिए, हमें जो है कि कहते हैं एहतियात बरतने के लिए कहते हैं, हर रोज हमें टेलीफोन पर अवेयरनेस की जाती है, मगर जो लोग हाई थ्रेट परसेप्शन पे है उनको उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, मेरी सरकार से गुजारिश है। और बहुत धांधलिया है, करप्शन है इस प्रोटेक्टिव पर्सन होटलों में, इतनी धांधलिया है, ये एक मेस बन चुका है। उन लोगों को अकोमोडेशन दी गई है जिन्होंने आज तक एक वोट कास्ट नहीं किया है, जो नेशनलिस्ट है नहीं उन्हीं को, और साथ साथ में वो रिलीफ रिहेबिलिटेशन से भी पैसे ले रहे हैं, माइग्रेशन का पैसा भी ले रहे हैं, जो डिजर्व है वो फूटी कोड़ी नहीं ले रहे हैं। आखिरकार हम उम्मीद करेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो, बाकी जितने भी एजेंसियां हैं महकमे पुलिस में, वो इस पर संजीदगी के साथ देखेंगे। और एलजी साहब से मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके एक बार रिव्यू कीजिए और हर एक एजेंसी को आप वो कागजात दीजिए, आप चेक कीजिए, हर एक होटलों के पैरामीटर्स आप देख लीजिए, हर जगह आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठने को मिलेंगे, हर जगह आपको उनके रिश्तेदार देखने को मिलेंगे, प्रोटेक्टेड पर्सन बिल्कुल 100 में से 1% टोटल प्रोटेक्टेड पर्सन रिजाइडिंग कर रहे हैं होटल अकोमोडेशन, बाकी फजूल सब कुछ जाया हो रहा है। तो मेरी एक बार फिर से मोतबाना गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, मेहरबानी करके आप रिव्यू कीजिए, हमारा बहुत ज्यादा पैसा जाया हो रहा है रियासत जम्मू कश्मीर का, अगर इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए कम से कम 50 करोड़ रुपए एक साल का हमें बच सकता है और उससे हमारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं, उससे हमारी डेवलपमेंट और हो सकती है।